गायत्रीज फूड स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे दो अलग अलग टाइप की खांडवी और मैं आपको दो अलग अलग तरीके बताऊंगी। जो भी आपको इजी लगे आप वो तरह से बना सकते हैं। पहले तो मैं बनाऊंगी बीटरूट की पिंक कलर की खांडवी और दूसरी मैं सूजी की खांडवी बनाने वाली हूँ। जिनको भी चने के आटे से परहेज है वो ये खांडवी ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीटरूट की खांडवी बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक कप बेसन, एक कप खट्टी छाँस और एक कप बीटरूट का जूस। उसके साथ ही हमें चाहिए आधा चम्मच हल्दी और एक हरी मिर्च कूटी हुई और नमक स्वादानुसार। तड़के के लिए हमें ज़रूरत है एक टेबलस्पून तेल की, थोड़े से करी लीव्स मैंने लिए हैं, आधा चम्मच हींग का लिया है, एक टीस्पून राई लिया है और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए थोड़ा धनिया और कद्दूकस किया हुआ नारियल। चलिए अब खांडवी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में अब मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लूँगी। ये मैंने बेसन लिया है, अब मैं इसमें खट्टी छाँस डालूँगी, इसी के साथ जाएगा बीटरूट का जूस, हरी मिर्च कूटी हुई, फिर इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। ये हल्दी ऑप्शनल है, मुझे बहुत डार्क कलर पसंद नहीं है इसके लिए मैंने हल्दी डाली है, आप चाहो तो ना डालो। नमक स्वादानुसार। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं बीटर की सहायता से अच्छे से बीट कर लेती हूँ ताकि उसमें गांठे ना रहे। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से घुल गए हैं, इसमें एक भी लंप नहीं है। अब ये पैन में गैस पे रखती हूँ। अब हम प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं, जिसके लिए हम सिर्फ एक बूंद तेल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर हम तेल लगाएंगे तो बैटर चिपकेगा नहीं, वो इधर उधर फैलता जाएगा। इसके लिए कम से कम तेल लगा के हम इसे ग्रीस कर लेंगे। पैन को अब मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया है, अब इसे हमें कंटिन्यूस स्टर करना है। मीडियम फ्लेम पे इसे हमें थोड़ी और देर चलाते रहना है। आप अब देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, इसे हमें और थोड़ा गाढ़ा करना है। अब ये बैटर आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। ये अभी स्प्रेड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं ये चम्मच में इजीली आ रहा है। ये बैटर अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब मैं गैस बंद करके इसे प्लेट पे स्प्रेड कर देती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेके हमें प्लेट पे पूरी तरह से पतला सा स्प्रेड कर देना है। तड़का लगाने से पहले इसे हम स्लिट्स दे देते हैं। जितनी आपको ब्रॉड चाहिए उतनी ब्रॉड आप खांडवी रख सकते हैं। खांडवी में तड़का लगाने के लिए मैं एक टेबलस्पून तेल ले रही हूँ तड़का पैन में, फिर उसमें मैं अब राई डाल रही हूँ। जैसे ही राई चटकेगी उसमें मैं करी लीव्स और हींग डाल देती हूँ। ये तड़का हमें चम्मच की सहायता से खांडवी पे पूरी तरह से स्प्रेड कर देना है। इसपे हम गार्निशिंग के लिए धनिया और ग्रेटेड कोकोनट स्प्रेड कर देते हैं। हम इसका रोल बना लेते हैं, साइड से हल्का सा उठा लेंगे तो हम उसका इजीली रोल कर सकते हैं। ये इस तरह से हम उसको रोल कर देंगे। रोल आसानी से होने के लिए बैटर हमेशा ही परफेक्ट होना चाहिए। इसी तरह से अब मैं सारे रोल बना लेती हूँ और फिर सर्व करती हूँ। हेल्दी और कलरफुल खांडवी तैयार है। चलिए हम एक बार रेसिपी का क्विक रीकैप देख लेते हैं।
सूजी की खांडवी बनाने के लिए हमें ज़रूरत है एक कप सूजी, एक कप खट्टी छाँस, एक कप पानी और एक टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, दो टेबलस्पून व्हीट फ्लार, थोड़ा सा धनिया मैंने लिया है और एक हरी मिर्च और नमक स्वादानुसार। तड़के के लिए हमें ज़रूरत होगी एक टेबलस्पून तेल की, एक टीस्पून राई, आधा टीस्पून हींग, एक टीस्पून सफ़ेद तिल, आधा टीस्पून जीरा और करी लीव्स की, और गार्निशिंग के लिए फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट और धनिए की। सूजी की खांडवी को बहुत ही आसान बनाने के लिए मैं सूजी और हरी मिर्च को मिक्सर में एक बार पीस लूँगी बिना कोई पानी ऐड किए। सूजी और हरी मिर्च को मैंने पहले बारीक पीस लिया है क्योंकि अगर मैं उसमें छाँस और पानी ऐड कर देती हूँ और बाद में पीसती हूँ तो वो इतना फाइन पीसा नहीं जाएगा, इसके लिए मैंने इसे पहले ही पीस लिया है। अब मैं इसमें व्हीट फ्लार ऐड कर रही हूँ और ये पानी डाल लेते हैं। इसी के साथ हम डालेंगे छाँस और नमक डाल लेते हैं और फिर से एक बार हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। ये अपना बैटर तैयार हो गया है, देखिए ये इतना गाढ़ा रहेगा। इसमें मैं अब ये चिली फ्लेक्स डाल लेती हूँ और थोड़ी सी हरी धनिया में डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब एक बड़े से कढ़ाई में मैंने थोड़ा पानी लिया है और उसमें स्टैंड रखा हुआ है। अब ये पानी मुझे उबाल लेना है। जब तक पानी उबल रहा है हम लोग प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं, थोड़ा सा तेल लगा के हम उसे ग्रीस कर लेंगे। अब इस तेल लगाए हुए प्लेट में हमें ये बैटर थोड़ा सा डाल के उसे पूरी तरह से स्प्रेड कर लेना है, ये इस तरह से, ताकि एक पतली सी परत बन जाए। अब ये प्लेट हमें उस कढ़ाई में रख देना है जिसमें हमने पानी उबालने के लिए रख दिया था और एक 2 से 3 मिनट स्टीम कर लेना है। 3 मिनट के बाद अब हम देखते हैं ये खांडवी प्रॉपरली स्टीम हुई है या नहीं। ये अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी है। अब मैं प्लेट को कढ़ाई में से बाहर निकाल लेती हूँ। अब हम इसे स्लिट्स दे देते हैं इस तरह से और इसे रोल कर देते हैं। ये बड़ी आसानी से रोल हो जाता है, ये देखिए कितनी आसानी से रोल हो रहा है, कितनी आसानी से हम इसे रोल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी पतली पतली उसकी परत लगी हुई है और ये इजीली रोल हो गया है। अब इसी तरह से मैं बाकी के भी रोल्स बना लेती हूँ और बचे हुए बैटर के भी मैं खांडवी बना लेती हूँ। अब तड़के के लिए पैन में मैं 1 टेबलस्पून तेल ले रही हूँ। जैसे ही तेल गर्म होता है मैं राई डाल देती हूँ। जैसे ही राई चटकती है मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ जीरा। जीरे के बाद जाएगा हींग और फिर सफेद तिल और अब करी लीव्स। अब इस तड़के में मैं जो तैयार करके रखी हुई खांडवी है वो मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब कद्दूकस किए हुए नारियल और धनिये से इसको गार्निश करके सर्व करती हूँ। है ना इजीएस्ट वे टू मेक खांडवी। चलिए रेसिपी की एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। है ना बहुत ही आसान खांडवी बनाना। ऐसे ही और आसान रेसिपीज के लिए आप हमारा चैनल देखिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।